तो लोग पूछते हैं कि जब आप जंगल सफारी के लिए जाते हो तो टाइगर को उसके नाम से कैसे जानते हो, टाइगर का नामकरण कैसे होता है। तो जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जिप्सी ड्राइवर होते हैं या गाइड होते हैं या फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर होते हैं, वो टाइगर का नामकरण करते हैं। मटका सुर आपने नाम सुना होगा, उसका बेटे का नाम छोटा मटका है। अगर आप रणथंभौर की मछली टाइग्रेस देखोगे तो उसके लेफ्ट साइड में फिश गिल का आकार है, इसलिए उसको मछली नाम से बुलाया जाता था। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक से या अलग अलग बेसिस पे टाइगर का नाम डिसाइड होता है। तो जब हम जंगल सफारी के लिए जाते हैं और एक एरिया में अगर को बाग दिखता है जिसका ऑलरेडी नामकरण हो चुका है तो उसको पहचानना बहुत इजी होता है, क्योंकि टाइगर जनरली अपना एरिया छोड़ते नहीं है, हालांकि उसको बढ़ाते हैं। पर जब आप बार बार उस टाइगर को देखोगे तब आपको उसका फेस दूसरे टाइगर से अलग दिखने लगेगा, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर अलग दिखने लगेगा। तब वो टाइगर अगर आपने दूसरी जगह पे भी देखा तो आप उसको फटाक से पहचान लोगे, अरे ये वो टाइगर था। तो इस तरीके से और इस एक्सपीरियंस की वजह से आप जंगल में टाइगर को नाम से पहचानने लगते हो।